मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में बीजेपी नेता और बिल्डर प्रकाश यादव को एक रिटायर्ड फौजी ने गोली मार दी। हैरानी की बात तो यह है कि घटना के वक्त पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। गोली चलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव के खास माने जाते हैं प्रकाश यादव। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड फौजी सुरेंद्र सिंह और बीजेपी नेता के बीच बच्चों को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों का घर आसपास ही है। घटना के वक्त पुलिस दोनों के बीच विवाद समझ ही रही थी कि फौजी ने गोली चला दी। घटना बीती रात नागजीरी थाना क्षेत्र के हामूखेड़ी की है। गोली लगने से घायल हुए बीजेपी नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये आज रात्रि में करीबन 12:30-1 बजे नागजीरी थाना क्षेत्र में श्री प्रकाश यादव है, इनके और एक एसपी भदौरिया रिटायर्ड फौजी है, इनके पास लाइसेंसी पिस्टल है। दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ। पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद थी और प्रकाश यादव जी को के घर के सामने पूरा मामला समझ रही थी। इसी दौरान ये सुरेंद्र प्रताप जो भदौरिया है ये आए, इन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किए जो प्रकाश यादव जी को दाहिनी तरफ छाती पर लगी है। अभी उनका इलाज है तो संजीवनी अस्पताल में, वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। उनका बयान लिए जा रहे हैं। जो सह अभियुक्त है सुरेंद्र प्रताप भदौरिया के बड़े भाई हैं, उनको पुलिस ने अभी हिरासत में ले लिया है। अभी परिजनों से और पूछताछ की जा रही है। ये मामला कुछ पुराने विवाद से रिलेटेड, जो बच्चों के बीच में विवाद हुआ था उससे रिलेटेड अभी तक समझ में आया है। अभी मामले में जो मुख्य अभियुक्त जो फरार है उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई है, शीघ्र ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इधर बीजेपी नेता को गोली मारने की खबर जैसे ही फैली, कार्यकर्ताओं की भीड़ संजीवनी अस्पताल में लग गई। घटनास्थल पर एसपी प्रदीप शर्मा भी पहुंचे और हॉस्पिटल में प्रकाश यादव का हाल जाना। सुरक्षा को देखते हुए हॉस्पिटल के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। इधर पुलिस ने आरोपी के परिवार में से एक को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। एंड तक